बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टू एच यू टीवी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एक अमेजिंग सी वीडियो, मुल्तानी सोन हलवे की वीडियो, या इसे हम हबशी हलवा भी कहते हैं। और ये बहुत मज़े का है। आप लोगों को इस हलवे को, रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर ट्राई करें आप सब लोग, तो एक अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर कि आप सब मेरे लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा जी, तो मीठे में यही तो नहीं है कि हमेशा एक ही टाइप की मिठाई हो, कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। और घर में बनाओ तो फिर तो उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती। तो ये है मुल्तानी सोन हलवा। मैं आपको उसको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। आप इसको अच्छी तरह फ्रीज़र में फ्रीज कर लें, और उसके बाद आप लोग कुछ तरह क्यूब शेप में कट करके रख लें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो उम्मीद करूंगी कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपको पता है आपने क्या करना था। चलिए रेसिपी को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को दीन और भलाई, दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी एक बड़ी ही मीठी मीठी रेसिपी, जिसका नाम है हबशी हलवा या सोहन मुल्तानी सोहन हलवा। तो उसके जो इंग्रेडिएंट ये हैं, मिल्क है 1.5 लीटर, जिसमें से हमने 1 कप निकाल लेना आलहदा है। और ये शुगर है, ये तकरीबन 1.5 कप है। थोड़ा सा आटा है, एक चम्मच मैदा है, और एक ही चम्मच ये कोको पाउडर है। क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने कलर को देने के लिए अपने सोन हलवे को तो ये कोको पाउडर लिया। और ये 2 से 3 टीस्पून लेमन जूस है। तो व्यूज, इसमें बेसिकली डलती है सोनक, जो गंदम से बनती है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें आटा यूज़ करूँगी और मैदा यूज़ करूँगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये फुल फैट मिल्क है, तो मैं कढ़ाई चूल्हे पर रखती हूँ और मिल्क इसमें डालती हूँ। और आपने याद रखना है, इसमें से तकरीबन 1 कप आपने दूध रख लेना है, बाकी आपने इसमें डालना है। तो ये तकरीबन मैंने 1 कप दूध रख लिया। तो इसको हम होने देंगे बॉयल। जब तक बॉयल आता है तो फिर हम इसको देखते हैं क्या करना है। यूज़ आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि दूध अक्सर नीचे लग जाता है, तो इसको हमने नीचे नहीं लगने देना। तो हमने इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। व्यूअर देखे, दूध को हमारे बॉयल आ गया। तो अब हम इसको दूध में लेमन डालेंगे, ताकि दूध का छाना बन जाए या पनीर बन जाए। व्यूअर, लेमन मैं इसमें डालने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। आराम आराम से इसको हिलाएं, देखें आँच आप बिल्कुल हल्की कर लें। आप विनेगर भी डाल सकते हैं लेमन की जगह। मेरे पास है थे लेमन, तो मैंने लेमन डाल लिया। मैंने अपने मेरे गार्डन में लगे हुए हैं लेमन फ्रेश। मैंने देखिए ये फटना शुरू हो गया, इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे। 3 चम्मच थे तकरीबन, मैंने सारा डाल दिया है 3 चम्मच। ये देखिए दूध हमारा फट गया। ये
देखें कितना अच्छा दूध हमारा फट चुका है। तो अब इसको हमने पकने देना है जब तक इसका आधा पानी खुश्क हो जाए। तो आज हमने लोत मीडियम रखनी है और हलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो आराम आराम से हमने इसको हलाना है बेसिकली कि ये टूटे ना। ये कोको पाउडर बेसिकली जो मैंने आधा कप दूध का रखा था उसमें मैं ये कोको पाउडर और वो मैं आटा इसमें शामिल करके इसको घोल लूँगी। ये कोको पाउडर इसमें मैंने दूध में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें क्योंकि गुठलियाँ ना बन जाए। ये मैं इसमें आटा भी डालूँगी। तो इसको अच्छी तरह खोल लें गुठली ना हो कोई भी। इसको अच्छे से घोल लें। व्यूअर मेरा मिक्सचर हो गया तैयार। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब मैं आधा नींबू का और रस इसमें डालूंगी क्योंकि वो जो मैंने दूध डाला उसको भी मैंने फाड़ना है। हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाएं। बेसिकली हम 1.5 kg मिल्क का बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी बिल्कुल थोड़ा रह गया। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर आप अपनी पसंद से ऐड करें, जिसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जिसको कम पसंद है वो कम डाल लें। घर के खानों की यही तो मज़े हैं कि आप जैसा चाहे बना सकते हो। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। देखें ये देखें इस टाइम पे स्टीम उड़ रही है तो इसलिए मेरे कैमरे पे भी आ रही है। तो ये देखें इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है तो चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो अभी मैं इसको और पकाऊंगी। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। वो कलर का भी यूज कर सकते हैं आप लोग।
आप लोग फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन कलर जो है ना वो थोड़ा कम मिलता है, इसलिए फिर मुझे कोको पाउडर यूज़ करना पड़ा। तो आप लोगों को अगर अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा केयरफुली पास खड़े होकर बनाएं। थोड़ा सा इसका पानी खुश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर देखें, आप इसकी लेस देखें ज़रा, ये कितना अच्छा बन रहा है, ये देखें, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें ये देखें। तो अब इस स्टेज पे जब ये तैयार होने वाला, तो अब इसमें मैं घी डालूंगी, तो 3 से 4 चम्मच मैं घी के इसमें ऐड करूंगी वक्फे वक्फे से। जो ऊपर दिखाओ ना प्यारी, ये देखें व्यूअर, ये घर का बना हुआ देसी घी है। तो ये मैं इसमें वक्फे वक्फे से ऐड करूंगी, और जैसे ही हम घी डालेंगे तो इसमें शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। मैं इसमें 1 चम्मच और डालूंगी, आप वक्फे वक्फे से इसमें घी डालें, और देखें घी डालते ही इसमें कैसी शाइनिंग आना शुरू हो गई है, और खुशबू ज़बरदस्त है। मैं फील कर सकते हैं आप कि कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। व्यूअर देखें, ये हमारा तैयार हो गया, हलवा हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। व्यूअर देखें, इसकी बनने की निशानी है, ये कैसे पेंडे को अपना छोड़ देता है, ये देखें, और पूरे को हलाओ तो ये सारा हिलता है इकट्ठा, ये देखें, इसने पेंडे को छेड़ना शुरू कर दिया, ये देखें, पेंडा हमारा बिल्कुल साफ है कढ़ाई का, ये देखें। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, डिश को आप ग्रीस कर लें नीचे से और फिर इसमें डालें। तो आइए अब इस पर नट डालते हैं, देखें कितना खूबसूरत कलर आया, देखें। तो हब्शी हलवा है तो अखरोट तो इसके पे लाजमी है, तो ये देखें भर के डालें। आपको जो सा ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल लें, वैसे हब्शी हलवे पे ज़्यादा अखरोट ही होते हैं ना, तो मैं बादाम और पिस्ते भी डालूंगी ऊपर से। मैंने बीच में नहीं डाले इसमें, इसलिए मैं ऊपर भर के डालूंगी इसमें।
तो बादाम ही ना डाल के कुछ ये देखें डाल दो थोड़े से व्यूअर्स आप इसको दो तकरीबन एक दिन तो रहने दें। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी ये सब्र नहीं हो रहा तो फिर आप इसको फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे रखें फ्रिज में, तो ये जम जाएगा। फिर आप इसकी जैसे चाहे टुकड़ियां काट सकते हैं। सोहन हलवा हमारा हो गया तैयार, आप भी बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। व्यूअर्स ये इतना मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान है, आसानी से बन जाता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये जम जाएगा, फिर आप इसकी जैसे चाहे टुकड़ियाँ काट सकते हैं। सोहन हलवा हमारा हो गया तैयार, आप भी बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। व्यूअर्स ये इतना मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान है, आसानी से बन जाता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा।